थैंक यू सो मच। मैं सबसे पहले आप सभी का धन्यवाद करती हूँ क्योंकि मेरे लास्ट विजिट में भी आप लोगों से मिलना हुआ था। कुछ इनपुट्स आपने भी अच्छे दिए थे और कुछ काम और आगे लेके जाने के लिए आपके सजेशंस भी मिले थे। थैंक यू सो मच फॉर दैट। आज के रिव्यू में मैं ये कहना चाहूँगी कि PGI जो एक हमारा नेशनल इम्पोर्टेंस के माध्यम से हम PGI को जानते हैं, तो यहाँ पे नो डाउट बर्डन है पेशेंट का, यहाँ पे एक विश्वास भी है और हर एक को लगता है कि मेरी ट्रीटमेंट PGI में हो, एक्सपर्टीज के हाथों हो, एक अच्छी यहाँ पे ट्रीटमेंट मिले। उस दृष्टि से आज का रिव्यू भी किया। यहाँ पे जैसे हमारे अलग अलग डिपार्टमेंट्स, लगभग 27 हमारे बड़े डिपार्टमेंट्स हैं जिसमें अलग अलग विभागों से काम चलता है, लगभग हमारे 12,000 से ज़्यादा यहाँ पे स्टाफ फैकल्टी है और बेड की संख्या देखी जाए तो 2,200 से ज़्यादा हमारे बेड्स अभी एक्टिव है। जब ज़रूरत पड़ती है तो उसे बढ़ाते भी है। ICU बेड्स को ज़्यादा फोकस करते हुए वो भी बढ़ाने की कोशिश हो रही है, तो अभी वो लगभग 275 है। OPD का जैसे मैंने कहा बर्डन यहाँ पे बहुत ही है, 11,000 पर डे का हमारे पास फुटफॉल्स है और 19 का मैंने एक चार्ट देखा तो OPD लगभग एक साल की 29 लाख थी, तो 29 लाख पर ईयर यह एवरेज है। वैसे ही हमारी IPD जो है वो 1 लाख पर ईयर की एवरेज में 300 पर डे हमारे IPD के पेशेंट के नंबर है। टेली कंसल्टेशन, जो कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हमेशा कहा है कि टेली कंसल्टेशन, टेली मेडिसिन के माध्यम से लोगों को सेवा मिले, गांव के लोगों को ही वहाँ बैठ के वहाँ के डॉक्टर यहाँ के डॉक्टर जुड़े और उनको मदद करे कि ये सिम्टम है, ये लैब टेस्ट करो, ये ट्रीटमेंट करो, तो उनका खर्चा भी बचे, उनका समय भी बचे। तो वैसे हमारी PGI भी जुड़ी है हमारे HWC से और लगभग हमारे 400 के आसपास हमारे टेली कंसल्टेशन भी उसके आधार पे, टेलीमेडिसिन के आधार से हो रहे हैं। आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना के माध्यम से यहाँ का काम बहुत सराहनीय है, उनको फर्स्ट प्राइज भी मिला है। 72,000 का पेशेंट का ट्रीटमेंट मिला है। लगभग 12 स्टेट्स के लोग यहाँ पे ट्रीटमेंट ले चुके हैं आयुष्मान भारत योजना के थ्रू। 154 करोड़ का उसमें पेशेंट के लिए पेमेंट भी कर दिए हैं सरकार ने। ऑर्गन डोनेशन में भी PGI को अच्छा सराहना किया है, प्राइज भी मिला है, अवार्ड भी मिला है। एक नॉर्थ इंडिया के रोटो का ये रिकॉग्नाइज PGI है, रीजनल हमारा सेंटर। अब तक उन्होंने अलग अलग ग्रीन कॉरिडोर के माध्यम से एक जो हम कहेंगे कि लोगों की जान बचाने की दृष्टि से लगभग 700 तक का नंबर है कि अलग अलग लोगों के जान बचाने के लिए ऑर्गन डोनेशन के थ्रू काम हुआ है। और मैं कहूँगी कि यंगेस्ट डोनर भी हमारा यहीं से मिला है, जो 68 आवर्स की एक बेबी थी, एक छोटी बच्ची थी, जिसका जिक्र आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी मन की बात के कार्यक्रम में किया। मुझे लगता है कि अनोखा उदाहरण यह कि हमारी फैकल्टी ने सामने रखा है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो, ऑनलाइन लैब रिपोर्ट हो, जो कि समय बचाने के लिए और पेशेंट को ईज ऑफ डूइंग के लिए हम लोग जो सोचते हैं, इस दृष्टि से PGI आज काम कर रहा है। ब्लड बैंक की सर्विस हो, उसके अलावा हम एडवांस सेंटर भी चलाते हैं जहाँ पे एडवांस, हमारे डायरेक्टर साहब विवेक जी ने कहा कि एडवांस में हम लोग आके काम करेंगे और अगले आने वाले दिनों में भी कुछ एडवांस सेंटर में यहाँ पे काम शुरू होगा। अभी एडवांस कार्डियक सेंटर है, एडवांस ट्रॉमा सेंटर है, एडवांस हमारा आई सेंटर है, एडवांस पीडियाट्रिक सेंटर है, जिसके माध्यम से हम लोग यहाँ पे सेवा दे रहे हैं। लगभग पेशेंट के लिए कभी कभी एक फ़ंड की ज़रूरत होती है, अलग अलग हमारी योजनाएं हैं, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य हो या फिर हमारा हेल्थ मिनिस्ट्री का डिस्क्रिशनरी ग्रांट हो, राष्ट्रीय आरोग्य निधि हो। इसके अलावा यहाँ पे ऑनलाइन पोर्टल है एक PGI का, जिस पे डोनेशन लोग करते हैं और उसके आधार पे यहाँ पे पेशेंट को मदद मिलती है, खास करके टर्शरी केयर के लिए। अब तक 3,000 पेशेंट को मदद मिली है इनके इस डोनेशन के पोर्टल के माध्यम से। हमारे 3 सैटेलाइट सेंटर जो है PGI के थ्रू, एक संगरूर में है,
जो कि लगभग बन के तैयार हुआ है। 449 करोड़ का उसको बजट दिया था सरकार ने। उसके अलावा फिरोजपुर में एक सैटेलाइट सेंटर अप्रूव हुआ है, उसका बजट 490 करोड़ है, उसका DPR अभी बन रहा है। और तीसरा हमारा सेंटर है ऊना में, जो कि अभी अप्रूव हुआ है, 490 करोड़ का बजट, और उसका भी काम शुरू होना बाकी है। उसके अलावा यहाँ के हमारे कैंपस में एक एडवांस्ड न्यूरोसाइंस सेंटर, जिसका बजट 490 करोड़ का मिला है, वो भी जल्द ही बनेगा। मदर एंड चाइल्ड सेंटर के लिए भी यहाँ का प्रस्ताव आया था, उसे भी मंजूरी मिली है, उसको 485 करोड़ का बजट भी मिला है। उसके अलावा क्रिटिकल केयर ब्लॉक के लिए प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के माध्यम से यहाँ पे क्रिटिकल केयर ब्लॉक लगभग 150 बेड के लिए सरकार का प्रावधान है। और पैंडेमिक की एक अनुभव के बाद आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इस पे जोर दिया है कि हम तैयार रहे किसी भी पैंडेमिक के लिए, तो PM अभिम की योजना के तहत यहाँ पे वो काम शुरू होगा, जिसमें 230 करोड़ का प्रावधान है, जिसमें कुछ राशि PGI चंडीगढ़ से भी दी जा रही है। PGI का खुद का बजट जो है हमारा, जो सेंट्रल मिनिस्ट्री से आता है, तो वो 2000 करोड़ है। उसके अलावा मैंने ये जो बोले अलग अलग सेंटर हो या फिर क्रिटिकल केयर ब्लॉक हो, मदर एंड चाइल्ड हो, इसके अलावा PGI का अपना अलग बजट 2000 करोड़ है। रिसर्च में PGI का काम भी अच्छा हो रहा है, काफ़ी सारे रिसर्च के उनके पब्लिकेशन हुए हैं अलग अलग विभागों से, उसके लिए भी फंडिंग दी जाती है, उसके लिए भी हमारा जोर ज़्यादा रहेगा। मैंने तो आज यही कहा है कि आप रिसर्च में ज़्यादा आगे आके काम करें, क्योंकि आज हमारी रिसर्च रिपोर्ट बाकी अन्य देशों को भी एक दिशादायी होती है, तो हम रिसर्च पे भी ज़्यादा फोकस करें, ताकि जिस तरीके से कोविड में हमने कुछ प्रेजेंटेशन दिए, तो वो ग्लोबल लेवल पे उसको अच्छी एक एक्सेप्टेंस मिली। इसी दृष्टि से हमारे अनुभवों के साथ यहाँ पे हम लोग आगे आके काम करें, ये आज का मेरा रिव्यू था। और मुझे खुशी है कि हम जिस भावना से लोगों की सेवा में जुड़ेंगे, तो रिजल्ट भी अच्छे ही आने चाहिए। और अंत्योदय की दृष्टि से आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और माननीय डॉक्टर केंद्रीय मंत्री मनसुख भाई मांडविया जी के मार्गदर्शन में हेल्थ डिपार्टमेंट हमारी सारी इंस्टीट्यूट को लेके बहुत ही गंभीर है, और एक नज़र रखते हुए और अच्छा करने के लिए हम हमेशा फॉलोअप लेते हैं, पीछे पड़ते हैं, और जो भी हमारी कमियाँ है वो भी सुधारने के लिए हम काम करते हैं, और आप सभी का सहयोग साथ हमेशा मिलता है। मैं आपकी टीम को भी बहुत धन्यवाद देती हूँ कि कुछ बातों में आपके भी कुछ सवाल है तो प्लीज़ काइंडली यू मे आस्क। थैंक यू सो मच। यस यस प्लीज़ गो। जैसे अभी आपने बात की कि PGI के पास काफ़ी पेशेंट्स आते हैं, बर्डन है, आपने बेड्स की बात की, पेशेंट इनफ्लो की बात की, इसमें हल क्या है? तो टेलीमेडिसिन का आपने क्या हमारी मिनिस्ट्री के पास ऐसा कोई प्लान है, कोई रूट मैप है, जिससे हम इनकी कंजेशन जो है उस पर काम? आपने बिल्कुल सही कहा, और जैसे हम कहते हैं कि हमारा फोकस प्राइमरी भी है, सेकेंडरी भी है, टर्शरी भी है। प्राइमरी लेवल के हम जो देखते हैं, तो प्राइमरी लेवल पे ही मदद मिले, जैसे फॉर एग्जांपल टेली कंसल्टेशन से, और उसके लिए HWC आज भारत भर में हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर हो रहे हैं, वो 1.5 लाख से भी ज़्यादा फंक्शनल हो चुके हैं। हम PHC को भी अपग्रेड कर रहे हैं, हम डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को भी कुछ सुविधाएँ देने की दृष्टि से काम कर रहे हैं, तो ताकि लोगों को वही मिले। और टर्शरी हॉस्पिटल, जो टर्शरी केयर, मेन तो हमारा फोकस टर्शरी केयर का है, तो ये बर्डन कम करने के लिए सरकार हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर हो या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हो, हर एक ज़िलों में जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, प्रधानमंत्री जी का आग्रह है कि वो उसमें मेडिकल कॉलेज बने, और कुछ जगह में तो प्राइवेट भी नहीं है, गवर्नमेंट भी नहीं है, तो जगहों को आइडेंटिफाई करके एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट के माध्यम से भी विशेष मदद की जा रही है। तो मुझे लगता है कि प्राइमरी के साथ टर्शरी फोकस भी उतना ही सरकार के लिए अहम है, और उस दृष्टि से जैसे आपने कहा कि और क्या सॉल्यूशंस है, तो हम वो वेटिंग पीरियड कम करने के लिए काम कर रहे हैं। और जैसे मैंने अभी कहा कि अगर ये सैटेलाइट सेंटर बन रहे तो क्या हो रहा है, तो सैटेलाइट सेंटर हमारा ही बर्डन कम करेंगे,
जो पेशेंट वहाँ से यहाँ तक पहुँच रहे हैं, तो आज अगर संगरूर में है, फिरोजपुर में है, आज अगर हमारी ऊना में ये सेंटर बन के खड़े हो जाएंगे, तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि होगी टू रिड्यूस दैट वेटिंग पीरियड ऑल्सो। तो सर रोड रोड और व्हाट रास्ता ओके ठीक है, हम लोग उसको ओके। आपका सवाल आ गया, मुझे लगता है कि आपको सुझाव देना है कि रास्ता खराब है अंदर का। ठीक है ठीक है, नोटेड नोटेड, हम लोग उस पर ज़रूर काम करेंगे। थैंक यू सो मच। जो नेशनल स्कीम है, चाहे वो सेहत बीमा योजना है, काफ़ी ज़्यादा जो पैसा है वो रोक लिया जाता है सेंटर की तरफ से, इसी कारण बेनिफिशरीज जो हैं उनको इलाज नहीं मिल पाता, बिकॉज दे वेट फॉर द रीइंबर्समेंट टू कम। सो डू यू फील कि व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे जो पेशेंट्स हैं दे आर एट द रिसीविंग। नहीं, आपने जो कहा कि स्पेशली आपने पंजाब गवर्नमेंट को लेके ये सवाल खड़ा किया है, मुझे लगता है कि हम जब केंद्र और राज्य मिलके काम करते हैं तो यहाँ पे रोकने की बात नहीं होती है, हम तो उल्टा देखे खर्चा करो। और जब ECRP का हमारा कोविड का पैकेज दिया गया है कोविड के कवरेज के लिए, तो इमरजेंसी कोविड रिलीफ हो फर्स्ट, इमरजेंसी कोविड रिलीफ हो सेकेंड, तो हम राज्यों से आग्रह करते हैं कि आप लोग खर्चा करो। लेकिन अगर किसी को राजनीति की दृष्टि से अगर उसको कुछ करना है अलग तरीके से ट्विस्ट, तो मुझे लगता है ये राजनीति की बात अलग होती है। लेकिन आज भी मैं, अभी मेरे पास डिटेल्स नहीं है कि हमारे पास कितना हमने NHM के थ्रू पंजाब को दिया है, मैं मेरे पास अगर ये आपको डिटेल्स है तो हम लोग वो भी दे देंगे कि पंजाब को हमने कितनी बार कितना राशि वितरित किया है। और ये हर एक राज्य का अपना हक होता है और लोगों की सेवा के लिए हम हैं, हम रोकने के लिए नहीं। लेकिन अगर आपने कुछ डिमांड फुलफिल नहीं किए, प्रपोजल आपकी तरफ से फुलफिल नहीं आए, तो केंद्र सरकार भी तो उस पर सोच विचार ज़रूर करेगी। कुछ ब्रांडिंग गाइडलाइंस का आपने ध्यान नहीं दिया, तो मुझे लगता है ये भी उनको थोड़ा ध्यान करने की ज़रूरत है। और राज्य और केंद्र मिलके अच्छी सेहत सभी को दे, अगर हमने, मैं तो कहती हूँ कि मेरे केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया जी है, चाहे मैं हूँ, हम लोग लगातार रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमारे जो तीन राज्य है, पश्चिम बंगाल है, दिल्ली है, उड़ीसा है, उन्होंने अभी तक प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को लिया ही नहीं है, को ब्रांडिंग किया ही नहीं है, तो ये तो लोगों को आप वंचित रख रहे हो। हम तो चाहते हैं कि आइए जुड़िए और लोगों को वो जो लाभ है तो दीजिए। 5 लाख की अगर इंश्योरेंस मिल रही है, एश्योरेंस मिल रही है पेशेंट को, तो वो देना चाहिए, किसी भी राज्य ने देना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं अगर राजनीति के दृष्टि से इस तरीके के इल्ज़ाम करेंगे कि ये रोक लिया है, तो रोके क्यों है इसका भी आप थोड़ा डिटेल हमें दीजिए। किसी को कुछ रोकने का अधिकार नहीं है, हम तो हमें देने के लिए बैठे हैं, आपके डिटेल्स आए, प्रपोजल्स आए, हम लोग वी आर रेडी टू प्रोवाइड द सर्विस। आफ्टर ऑल हम भी उसी दृष्टि से सेवा भाव से ही काम कर रहे हैं और राज्य और केंद्रों ने मिल के ही करना है। लेकिन पॉलिटिकल एजेंडा बाजू रख के हम साथ में आके लोगों के लिए काम करें, ये मेरा रिक्वेस्ट है। देखिए, जैसा आपने बिल्कुल सही कहा, ये जो 11,000 का नंबर है पर डे, किसी भी इंस्टीट्यूट के लिए वो संभालना बड़ी मुश्किल बात है। हमारे सारे दिल्ली एम्स का भी हमारा वही है, तो एकदम से रश आती है और कभी कभी एक पेशेंट के साथ दो दो तीन तीन लोग आते हैं, क्वाइट नेचुरल की सपोर्ट की ज़रूरत होती है,
कोई मेडिसिन के लिए, अलग अलग दृष्टि से ये भीड़ बढ़ती है, तब एक इंस्टीट्यूट के लिए उसको भी ध्यान करके उसको भी कुछ लिमिटेशन करने पड़ते कि भाई एक को ही एंट्री दी जाए, वरना वो सब हमारा जो फोकस रहता है टू ट्रीट द पेशेंट वो भी डिस्टर्ब ना हो पाए। लेकिन फिर भी आपने जैसा कहा कि ये भीड़ रोकने के लिए, तो हम उस पर भी काम कर रहे हैं। और अभी जैसे मैंने कहा कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, हम ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन सुविधा क्यों दे रहे हैं, ताकि आप ऑनलाइन करेंगे तो वो आपको भी टाइम पता चलेगा कब है हमारा अपॉइंटमेंट, और ये रोकने के लिए, भीड़ रोकने के लिए कम होगा। हम अभी QR कोड भी ला रहे हैं, QR कोड से थोड़ा ये होगा तो लोगों को सुविधा मिलेगी, ताकि भीड़ भी ना हो और आपको इजीली एक्सेस भी मिले। ये हमारा दृष्टिकोण है और पेशेंट के लिए ही हम लोग यहाँ है। लेकिन अगर 11,000 की भीड़ को देखा जाए तो थोड़ा मुझे लगता है हम लोग उसमें भी प्रयास करेंगे कि उनको तकलीफ़ ना हो, उनको अच्छे से डॉक्टर की भी ये हो, मुलाकात हो, ट्रीटमेंट मिले। 30 लाख साल का नंबर है, 30 लैक्स। चलिए मैम, का बहुत इशू है यहाँ पर, पार्किंग बहुत ज़्यादा इशू है, क्योंकि जब लोग अभी सर ने बताया था कि 684 इसीलिए देखिए हमारे जो नए सेंटर्स ही, हम लोग सैटेलाइट सेंटर पे फोकस ही इसीलिए कर रहे हैं। सरकार का दृष्टिकोण ही यही है कि इसको कम करे ताकि ये भी बर्डन कम हो और लोगों को वहीं पे सुविधा मिले। तो ओवरऑल हम लोग हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर हो, सेकेंडरी प्राइमरी टर्शरी केयर को और आगे बढ़ाने के सैटेलाइट माध्यम से हो, और मैं तो कहती हूँ कि ये पहली बार 3-3 सैटेलाइट सेंटर मिल रहे हैं, इट्स अ वेरी गुड एंड वेरी बिग थिंग फॉर मी, क्योंकि हम हर एक राज्य में एक एक एम्स दे रहे हैं वो भी बड़ी बात है, और यहाँ पे 3 सैटेलाइट सेंटर मिलना भी बहुत बड़ी बात है, और यहाँ पे काफ़ी सारे अन्य राज्यों के भी पेशेंट आते हैं। यस, एम्स दिल्ली, एम्स भुवनेश्वर, मैम जितने भी इनके केमिस्ट के शॉप्स हैं जो अंदर कैंपस में, वो सारे गवर्नमेंट के, वो प्राइवेट नहीं। और इधर हमारा जो रेंटल है, आप सुन के आपको पता ही होगा कि इधर हमारा एक शॉप है इमरजेंसी में जिसका रेंटल इज ओवर 2 करोड़। बट एम्स के सेंटर, एक बात बताना, एम्स के अंदर शॉप्स हैं, मैं मास्किंग यू, हां जी हां जी, हैं इसके अंदर गवर्नमेंट शॉप्स हैं, गवर्नमेंट शॉप्स। अच्छा, आई डिडंट नो दैट, आई एम मास्किंग। सो सर, मैम इससे क्या होता है कि जब रेंटल हाई है तो नेचुरली पेशेंट से वो पैसा वसूलेंगे। ओके, तो इतना ज्यादा कॉस्टली होता है। हां, नहीं इसमें हम लोगों ने जो सुविधा दी है, तो अभी सरकार ने ये भी देखा, आपने देखा होगा कि हमारे जन औषधि केंद्र खुल रहे हैं। जन औषधि केंद्र पे फोकस क्यों है कि यहाँ पे जो हमारी वही क्वालिटी का मेडिसिन और कम खर्चे में, और स्पेशली चाहे वो कैंसर की दवाइयाँ हो, डायबिटीज़ की हो, हाइपरटेंशन की हो, तो इतना खर्चा बचता है कि अगर 10,000 का है तो यहाँ पे 2-3 हज़ार में ही उसका मंथली खर्चा आता है। तो ये एमरजेंसी के पास जो शॉप होती है तो मरीज उधर ही रहता है। ओके, तो एक्चुअली नहीं, उस पर ज़रूर हम लोग काम करेंगे। और भारत भर में आज अगर 9,000 जन औषधि केंद्र खुले हैं तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। सिर्फ हमें पेशेंट तक वो अवेयरनेस भी करना है कि ये आपके लिए ही है, वो जेनरिक का हम लोग जो जन औषधि सेंटर PGI का, इट इज़ द नंबर वन सेंटर इन एंटायर चंडीगढ़, बट आई वांट दैट एवरीथिंग शुड बिकम जन औषधि, सो दैट। थैंक यू सो मच, मेरी ट्रेन है अभी। या अंदर जाके देखेंगे जो कमरे हैं कि इसमें आयुर्वेद वाले डॉक्टर बैठेंगे, इसमें होम्योपैथी वाले बैठेंगे, इसमें एलोपैथी वाले बैठेंगे, यहाँ मरीज को भर्ती किया जाएगा। सब कुछ बना हुआ है बट वहाँ मानव संसाधन नहीं, तो और वहाँ के जो पैरामेडिकल स्टाफ है उनको वही 20 साल पुरानी ट्रेनिंग दी गई है, कुछ भी अपग्रेड नहीं है, तो फिर वो लोड कैसे कम होगा। नहीं, आपने थोड़ा डेटा, आप हमारे पार्लियामेंट में क्वेश्चन भी आते हैं रिगार्डिंग दिस हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर को, आपने जो कहा कि बिल्डिंग को कलर किया जाए, कलर तो करना, एक अपना ब्रांडिंग करना भी आवश्यक है कि HWC है ये, लेकिन उसके अंदर हमारा डेटा भी कलेक्ट हो रहा है। हमारे पास अभी डेटा भी है कि हम 30 से आगे जो युवा है, 30+ के जो है, उनका हम लोग कंपलसरी स्क्रीनिंग कर रहे हैं। हम BP के लिए स्क्रीनिंग कर रहे हैं,
हम लोग हाइपरटेंशन के साथ हम लोग डायबिटीज़ का स्क्रीनिंग कर रहे हैं, वी आर हैविंग द डेटा। दूसरा, हम लोग 3 प्रकार के कैंसर उसमें स्क्रीन कर रहे हैं। ओरल कैंसर का स्क्रीनिंग हो रहा है, ब्रेस्ट कैंसर का स्क्रीनिंग हो रहा है, सर्वाइकल कैंसर का स्क्रीनिंग हो रहा है। हमारे पूरे डेटा है, और जहाँ पे काम नहीं है, समझो आपको शिकायत है किसी केंद्र की, तो जहाँ पे काम है नहीं है तो उसका भी हम लोग मॉनिटरिंग करते हैं। हमारे साथ अभी वो डेटा कलेक्ट करके ही हम लोग समझ पा रहे हैं कि कैंसर का खतरा कितना बढ़ रहा है। डायबिटीज़ और बीपी के पेशेंट इतने आगे आ रहे हैं, ये हमारे लिए एक चुनौती है। अभी एनसीडी के थ्रू हम वो मॉनिटरिंग करते हैं, स्क्रीनिंग करते हैं, लेकिन देखिए जैसे मैंने कहा कि 1.5 लाख हमारे हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बन के तैयार हुए, और जिस अपेक्षा से हम सब अपेक्षा करते हैं कि तुरंत इसमें काम हो सकता है, जो आपने देखे होंगे, और मेरा जहाँ भी प्रवास होता है मैं वो PHC CHC में हमेशा विजिट करती हूँ। हाल ही में कल मैं कसौली से निकली तो मैं रास्ते में धर्मपुरी में जाके मैंने विजिट किया। मेरा जाके रोल वही रहता है कि यहाँ पर लैब टेस्ट हो रहे कि नहीं, कितने प्रकार की लोगों को सेवा फ्री मिलती है, दवाइयाँ फ्री मिलती है कि नहीं, मिलती है तो चार्ट लगना चाहिए, लोगों को समझना चाहिए कि मेरे लिए है ये, तो ये तो हमारा दायित्व ही है। लेकिन आज एक डेटा हमारे पास ये हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर से ही आया है कि इतने करोड़ का हमने स्क्रीनिंग भी किया है, तो बिना स्क्रीनिंग के हम लोग तो डेटा अवेलेबल नहीं करेंगे, और ये PHC से हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर से ही हमारे पास आया है। नहीं, ये जो मैं कहूँगी हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, ये तो कंसेप्ट ही है कि वहाँ पे योगा के सेशन भी करे। अभी मैं मणिपुर गई थी तो एक दूर के गांव में मैं जा रही थी, तो मैंने वहाँ पे भीड़ देखी, तो मैं गई वहाँ पे तो वो पता चला कि सारे सीनियर माताजी है 70-60 के, वो बैठे हैं वहाँ पे। तो मैंने बोला क्या कर रहे हैं, तो बोले ये है यहाँ पे अभी योगा का टीचर आता है हमारे लिए, और वो योगा कर रहे थे। तो वो बोलते रोज़ गांव में बैठने से अच्छा है कि हाँ के हम लोग रोज़ योगा करें। और उन्होंने मुझे परफॉर्म करके दिखाया, उसमें तो 80-85+ की भी महिला थी। तो मुझे ये अच्छा लगा कि हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का कंसेप्ट ही ये है कि योगा के सेशन चले, पीडियाट्रिक केयर का चले, कुछ इंटरमीडिएट लेवल से वहाँ पे जेरियाट्रिक का भी ये हो। तो ये अभी सुविधा बढ़ाने की दृष्टि से सरकार काम कर रही है। मोहल्ला क्लिनिक का तो विषय अभी बंद भी पड़े है दिल्ली में, मोहल्ला क्लिनिक तो बंद भी पड़े हैं, लेकिन हमारे जो है यहाँ पे हमने कनेक्टिविटी रखी है। लास्ट क्वेश्चन, फैकल्टी का जो बहुत दिन से वो चल रहा है, वो कह रहे हैं कि रोटेटरी हेडशिप को लेकर के, तो वो रिपोर्ट सबमिट भी हो गई है, उसका अभी तक कुछ नहीं आ रहा है, फैकल्टी बड़ी नाराज है। जिसमें आपने कहा कि फैकल्टी वाला इशू, हम भी समझते हैं कुछ रिजर्व फैकल्टी के लिए रिजर्वेशन रहते हैं, और ये सभी जगह का प्रॉब्लम है, रिजर्वेशन सीट में वो नहीं मिलते हैं, वो तो सभी जगह है। रोटेटरी हेडशिप में भी किया है, इसमें अभी चर्चा हो के मीटिंग हो के और कैबिनेट सर उसमें फैकल्टी तो बड़ी नाराज है, वो दिल्ली जाके नहीं, कोई नाराज नहीं है, हमारे यहाँ काम करने के लिए सारे आगे हैं, कोई नाराजगी नहीं। थैंक यू सो मच।